सेकेंड हैंड सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 8 256 12 12,000 की एमआरपी और अपना फ़ोन भी देखने के लिए मिल रहा है गाइस। ओ भाई सच में ये तो बहुत ज़्यादा ग्लो मार रहा है, तो आगे भी भाई कर्व डिस्प्ले। ओ भाई मेरे को नहीं पता था कि इसमें कर्व डिस्प्ले आती है गाइस। आप नेक्स्ट गिव अवे भी आने वाला है। वेलकम बैक टू गाइस, तो आज हमने अपने सब्सक्राइबर के लिए कैशिफाई सुपर सेल से रीटेल ऐप है ये, तो हमने इससे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 मंगवाया हुआ है, वो भी 8 256 GB का मात्र 12,000 रुपए का, मात्र 12,000 की अमेजिंग डील है ये। तो ये इसमें चेकआउट करेंगे कि भाई कॉपी डिस्प्ले रहती है, ओरिजिनल स्क्रीन रहती है, जैसे कि फ्यूचर रिपोर्ट में लिखा रहता है लूज पैनल वगैरह, लूज डेंट वगैरह ये सब कुछ लिखा रहता है क्यूसी रिपोर्ट में, इसमें भी लिखा था बट इसमें ओरिजिनल स्क्रीन लिखा था, तो हमने ये मंगवा दिया 12,000 रुपए का। सब्सक्राइबर को ओरिजिनल स्क्रीन में चाहिए था और थोड़े बहुत डेंट भी है इसमें, वो भी चेकआउट करेंगे इसी वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझाऊंगा कि भाई लूज पैनल क्या होता है, कितना क्या लूज पैनल आता है, स्क्रीन की क्वालिटी कैसी रहती है, फिंगरप्रिंट मानता है या नहीं मानता, सब कुछ इसी में हम आप लोगों को बताएंगे। और हाँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर वीडियो पे नए आए हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि भाई कैसी रही ये डील। अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आ सकते हो, आप लोगों के लिए भी मंगवा दूंगा गाइस। पहले इस वीडियो को देखा करो कि भाई कैसी क्या कंडीशन रहती है, तभी मेरे से ग्रेड वाइज ऑर्डर करवा सकते हो। ये हमने बिल्कुल C+ ग्रेड में ऑर्डर करवाया, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ C+ ग्रेड में ये हमने ऑर्डर किया था अपने सब्सक्राइबर के लिए, तो आप ग्रेड वाइज समझा करो कि भाई ऐसी क्वालिटी आती है, ऐसे मंगवाते हैं और ऐसी कंडीशन आती है। पहले वीडियो को देखा करो, सोचा करो, समझा करो। मैं नहीं होता कि भाई आँख बंद करके मुझसे ऑर्डर करवा, पहले चेकआउट करो मेरी कंडीशन क्या है, टेक द गैजेट्स कैसी कंडीशन में फोन मंगवाता है, तब मेरे से यहाँ पे कनेक्ट करके आप लोगों के लिए भी ऑर्डर कर दूंगा गाइस। तो हम जल्दी जल्दी इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या कैसी कंडीशन आती है, तो इसी के साथ जल्दी जल्दी चालू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को चालू करने से पहले एक बात बता दूं कि भाई मैंने गिवअवे विनर बादल ब्लॉग्स को मना दिया, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, आप लोग भी सपोर्ट करते हो तो नेक्स्ट गिवअवे भी आने वाला है, वो थोड़ा सा बड़ा गिवअवे होगा, तो आप लोगों को मेक श्योर लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करके अपना नाम लिखना है गाइस, और एक प्यारी सी टिप्पणी लिख दो, मेरी कमेंट कर दो कि भाई ऐसे ऐसे, तो मैं आप लोगों को सबको कमेंट पढ़ता रहता हूँ और जो भी अच्छी कमेंट लगेगी मैं उसको गिवअवे विनर बना दूंगा गाइस। तो चलिए हम जल्दी जल्दी इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या कैसी कंडीशन है गाइस। कैशिफाई से कुछ ऐसी पैकेजिंग आती है, आप लोग MRP देख सकते हो 12,022 रुपए, तो हम जल्दी जल्दी इसे अनबॉक्स कर लेते हैं गाइस। तो गाइस ये हमने अनबॉक्स कर लिया, आप लोग देख सकते हो सबसे पहले बबल रैप मिल जाएगी और अपना फ़ोन भी देखने के लिए मिल रहा है गाइस। तो ये अपना फ़ोन है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अपना बिल भी है और कुछ नहीं है इसके बॉक्स के अंदर, तो हम बॉक्स को करते हैं साइड में गाइस, अपना बिल देख लेते हैं, आप लोगों को दिखा दें कि भाई ये कैशिफाई का ओरिजिनल बिल है और ग्लो कलर है, तो ये ग्लो मारने वाला कलर आया हुआ है, सेकेंड हैंड सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 8 256 12 12,000 की MRP के साथ ये हमें मिला है C+ ग्रेड का। तो बिल को करते हैं साइड में और अपना फ़ोन देख लेते हैं भाई और ग्लो कलर कौन सा होता है गाइस, तो हम चेकआउट करेंगे भाई। ओ भाई सच में ये तो बहुत ज़्यादा ग्लो मार रहा है, ये एस पेन निकलती हुई देखने के लिए मिल रही है गाइस, तो ये ऑरा बहुत ज़्यादा ग्लो मार रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट दिया गया है और थोड़े बहुत हल्के हल्के माइनर डेंट्स मिल जाएंगे जो कि QC रिपोर्ट में ऑलरेडी मैंसन था, तो आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसी क्लैरिटी मिलेगी। आगे का चेक करते हैं गाइस, तो आगे भी भाई कर्व डिस्प्ले। ओ भाई मेरे को नहीं पता था कि इसमें कर्व डिस्प्ले आती है गाइस, आप लोग देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में कर्व डिस्प्ले के साथ ये हमें फ़ोन मिला है, आप लोग देख सकते हो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल नीड एंड क्लीन कंडीशन है और इसमें C-टाइप चार्जिंग केबल मिल जाएगी, तो आप लोग देख सकते हो इसमें पोर्ट दिया गया है C-टाइप का और इसमें एस पेन भी दी गई है, तो हम इसे भी चेक करेंगे कि भाई ये वर्किंग में है या नहीं है। भाई बहुत ज़्यादा शानदार है, ये बटन दिया गया है क्या चीज़ है, हम इसे बटन को देखते हैं,
हाँ गाइस ये बटन है, बटन प्रेस हो रहा है तो हम इसको साइड में रखते हैं। और क्लेटी के साथ फ्रेम वाइज तो अच्छा दिया गया है। और मेरे को लूज पैनल तो मेंशन था, मतलब कि इसमें लूज पैनल तो मुझे कहीं भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो लूज पैनल थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देखने के लिए मिल जाएगा, बट इतना भी लूज पैनल नहीं है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो कहीं भी ज़्यादा लूज पैनल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई बाहर निकल रहा है या कुछ है। थोड़े से आगे स्क्रीन पे भी कोई भी माइनर डेंट्स वगैरह नहीं है। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिया गया है। और इसमें दोनों साइड इधर ही बटन आते हैं, तो हम जल्दी जल्दी से ऑन करके चेकआउट कर लेते हैं गाइस कि कैसा क्या है अंदर फ़ोन में। तो गाइस देख सकते हो आप, ये ऑन हो चुका है। कर्व डिस्प्ले के साथ ये अपन को फ़ोन प्रोवाइड होता है। तो गाइस बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लग रही है इसकी डिस्प्ले तो भाई, मैं कहना चाहूँगा भाई साहब क्या डिस्प्ले दी गई है। और इसमें नेटवर्क वेटवर्क तो आएंगे नहीं, सिम लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से अपन को देखने के लिए इसकी स्क्रीन मिल रही है। जैसा कि बस ये थोड़ी सी मेरे को बड़ी लग रही है, मैंने नोट 20 अल्ट्रा अनबॉक्स किया था तो उसमें थोड़ी सी छोटी थी, बट इसमें थोड़ी बड़ी है। ये कैमरा थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, तो इसका अबाउट आप लोगों को चेक करवा देता हूँ गाइस। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियरली दिखा पाऊँ। तो आप लोग देख सकते हो इसका अबाउट चेक कर सकते हो, गैलेक्सी नोट 10 लिख के आ रहा है। और इसका IMEI नंबर आप लोग देख सकते हो दोनों स्लॉट के। और बैटरी हेल्थ इसमें कितनी मिलती है, 3500 mAh। तो इसकी बैटरी थोड़ी सी कम देखने के लिए मिल रही है गाइस, 3500 mAh इज वेरी लोअर अमाउंट। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से अपन को फ़ोन मिलेगा, बट इसमें ओरिजिनल स्क्रीन दी गई है तो अच्छा बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाए। और कॉपी स्क्रीन होती है तो उसमें थोड़ा सा कम बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है अपने अनबॉक्सिंग वीडियोस में। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो हम इसमें एक बार सिक्योरिटी फ्यूचर भी देख लेते हैं और कैमरा भी चेकआउट करेंगे गाइस। सबसे पहले लगाएंगे फिंगरप्रिंट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आता है मे बी इसमें, तो हम जल्दी जल्दी उसे चेकआउट करेंगे। तो गाइस हमने फिंगरप्रिंट तो लगा लिया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आता है तो हम चेकआउट करेंगे। आप लोग देख सकते हो, तो गाइस फिंगरप्रिंट तो बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। इसे लगाऊंगा नहीं खुलेगा, और इसे लगाऊंगा खुल जाएगा। आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी फास्ट टेस्ट ले रहा है। तो हम इसमें एक बार फेस आईडी भी लगा लेते हैं, फेस आईडी आती है या नहीं आती है इसमें, आती होगी गाइस। तो इसमें फेस सेंसर आता है तो हम उसे भी लगा लेते हैं। सब कुछ चेक करना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि सब्सक्राइबर को अच्छी से अच्छी चीज़ मैं प्रोवाइड करा पाऊँ। गाइस इसमें पास ले जाके होता है, आईफोन में बहुत जल्दी फेस सेंसर लिया जाता है, बट इसमें फिंगरप्रिंट भी तो है, उसमें तो ओनली फेस सेंसर आता है। तो आप लोग देख सकते हो, खोलूँगा मैं इसे, नहीं लिया। आप लोग देख सकते हो पास ले जाने पे ही ले रहा है। आप लोग देख सकते हो थोड़ा दूर जाऊँगा, थोड़ा दूर नहीं लेता भाई, ये नहीं लेता गाइस। आप लोग देख सकते हो थोड़ा दूर नहीं लेता भाई, दूर से नहीं लेता है गाइस ये, बिल्कुल पास जाना पड़ेगा मेरे को, बिल्कुल मतलब कि आधे हाथ से थोड़ा ज़्यादा पास जाना पड़ता है तब ये जाके फेस सेंसर लेता है गाइस। तो ये हम मैं थोड़ी परेशानी वाली बात कहना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हो आगे का कैमरा तो बिल्कुल ओके दिया गया है, जो कि क्वालिटी है वही क्वालिटी दिखा रहा है, बट थोड़ा सा वीक है, बट ठीक है यार, बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोन है। और हम जूम आउट चेकआउट करेंगे भाई, हाँ जूम आउट 10x के साथ ये हमें जूम आउट प्रोवाइड होता है गाइस, अच्छा दिया गया है। कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा तो ठीक ठाक दिया गया है गाइस। पोर्ट्रेट भी चेक कर लेता हूँ, पोर्ट्रेट वर्किंग है गाइस, पोर्ट्रेट भी बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। 1x और 2x पे दोनों ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी वाला भी है। तो माइक एंड स्पीकर भी टेस्ट कर लेते हैं गाइस। टैग द गैजेट्स चैनल सब्सक्राइब, तो गाइस ठीक तरीके से माइक तो वर्क कर रहा है गाइस। और इसमें अपन को 4K 60fps तक वर्क मिल जाएगा इतना पुराना होने के बाद भी। तो हम एक बार इसमें एस पेन भी ट्राई कर लेते हैं गाइस। तो गाइस हम एक बार इसमें एस पेन भी ट्राई कर लेते हैं गाइस कि क्या वर्क कर रही है या नहीं कर रही है गाइस। थोड़ा सा लैग देखने के लिए मिल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा अल्टीमेट चल रही है भाई, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग देख सकते हो मतलब कि अलग से आवाज़ भी प्रोनाउंस हो रही है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ तो रियल कागज़ पे लिखते हैं वैसी ही आवाज़ देखने के लिए मिल रही है मेरे को। आप लोग देख सकते हो
मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क तो कर रही है, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ऑल ओके दी गई है। तो आप लोग TTG को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी गाइस, TTG को सब्सक्राइब करो और मेक श्योर वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस। तो गाइस इस पे लिखा भी गया और ये अपन को ब्रोकन भी देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। ये सिम ट्रे की ब्रोकन है बट काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हो सिम ट्रे ब्रोकन है बट ये QC रिपोर्ट में मेंशन नहीं थी, आप लोग देख सकते हो थोड़ी सी ब्रोकन है बट अपन इतना तो झेल सकते हैं भाई, वर्किंग है तो अपनी सिम लगा के चेक करेंगे भाई सिम आ रही है या नहीं आ रही है। आप लोग देख सकते हो ये ब्रोकन दिया गया है तो अपनी सिम का पासवर्ड डाल देंगे, मैं अपनी सिम में पासवर्ड लगा के रखता हूँ गाइस तो डोंट वरी। तो अपनी सिम डिटेक्ट करता है या नहीं करता है, वाईफाई ब्लूटूथ तो ठीक तरीके से चल ही रहे हैं गाइस, तो हम अपनी सिम भी चेकआउट करते हैं गाइस सिम आ रही है या नहीं आ रही है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये मेरी सिम आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो जियो की सिम लगा लिया गाइस और लाइट 4G के नेटवर्क भी आ चुके हैं गाइस, एक बार कॉल लगा के ट्राई कर लेंगे गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हो सिम वगैरह बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है, आगे पीछे दोनों कैमरे ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो हम एक बार इसमें वीडियो प्ले करके देख लेते हैं गाइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने आपको वीडियो भी चला के दिखाई, बिल्कुल 4K की वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, 2100 MPS 4K बोलते हैं उसे, तो अच्छी चल रही थी गाइस। आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है और अल्टीमेट दिया गया है बट ये मेरे पसीना से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़े से दाग से लग गए हैं बट इसमें नीड एंड क्लीन कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे सब्सक्राइबर अभी भी फ़ोन लगा रहे हैं मेरे को गाइस, आप लोग देख सकते हो इतनी रात हो गई है तो मेरे सब्सक्राइबर अभी भी फ़ोन लगा रहे हैं गाइस। आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से कंडीशन मिलती है फ़ोन की, अगर आप लोगों को भी ऑर्डर करवाना है ऐसे ही जेन्युइन फोन ओरिजिनल स्क्रीन के साथ तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, आप लोगों के लिए भी ऑर्डर कर दूंगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी है तो आप लोग लाइक करके मेरे इसको सपोर्ट दिखा सकते हो गाइस, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, रात के 3 बज रहे हैं गाइस अभी भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी ऐसे ही फोन चाहिए नोट 10 वगैरह तो आप लोग देख सकते हो कैसी क्या कंडीशन रहती है कैसी भाई सुपर सेल से, आप लोग भी कॉनेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, यहाँ पे आ रहा है आप लोग कनेक्ट कर लो, आप लोगों के लिए भी मंगवा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, कर लो गाइस सब्सक्राइब, आप कहीं मिस ना कर जाओ ऐसी वीडियो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।